नमस्कार आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जो नहरें हैं उनके बारे में, और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ गंग नहर के बारे में। जब गंग नहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गंग नहर के लिए सितंबर 1920 को एक समझौता हुआ है बीकानेर रियासत, पंजाब व बहावलपुर प्रांत के बीच में, ध्यान रखिएगा, और उसी समझौते के तहत सतलज नदी का पानी जो है वो राजस्थान की जो बीकानेर रियासत है उसके लिए देने के बात हुई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके लिए जो काम करने वाले व्यक्ति है वो है गंगा सिंह जी। ध्यान रखिएगा, नदी है सतलज नदी, और सतलज नदी के, याद रखिएगा, यहाँ स्थान है हुसैनी वाला जो फिरोजपुर पंजाब, यहाँ से एक नहर निकाली गई, याद रखिएगा, नहर निकाली गई जिसका प्रवेश राजस्थान के गंगानगर से होता है। गंगानगर के बाद में इसका पानी जो है वो जाता है बीकानेर तक। श्री गंगानगर और आगे इसका पानी जाता है बीकानेर। ध्यान रखिएगा, इस का बात करें अगर कि नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है गंग नहर की, हम बात कर रहे हैं गंग नहर, तो गंग नहर की नींव रखने वाला व्यक्ति गंगा सिंह, गंगा सिंह जी ने नींव रखी है। कब रखी है? 5 सितंबर 1921, याद रखिएगा, 5 सितंबर 1921 को गंगा सिंह जी कहाँ के महाराजा हैं? बीकानेर के महाराजा हैं। इन्होंने नींव रखी है, ध्यान रखिएगा, गंगा सिंह जी ने नींव रखी है। इसकी अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के और राजस्थान के अंदर तक की, अगर हम बात करें कुल लंबाई कितनी है, तो माना जाता है 129 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 129 किलोमीटर लंबाई है हुसैनीवाला से लेकर के राजस्थान के गंगानगर तक, इसकी लंबाई 129 किलोमीटर मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर नींव रखने का काम तो गंगा सिंह जी ने कर दिया, लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया? तो 1927 के अंदर, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया है, इस नहर को चालू किया है, ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन कहाँ किया है? शिवपुर हेड पर शिवपुर हेड पर इसका उद्घाटन किया गया है। क्योंकि गंगा सिंह जी ने, ध्यान रखिएगा, गंगा सिंह जी ने इस
गंग नहर का प्रारूप तैयार करवाया है। ध्यान रखिएगा, गंग नहर का प्रारूप भी किसने तैयार किया है? कंवर सेन ने किया है। ध्यान रखिएगा, इसका प्रारूप इंजीनियर कंवर सेन ने तैयार किया है। और ये प्रारूप तैयार करवाया किसने है? गंगा सिंह जी ने करवाया है। इसीलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा सिंह जी को, गंगा सिंह जी जो बीकानेर के महाराजा हैं, इनको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है। आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है किसने? कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये उपमा दी है। आधुनिक भारत का भागीरथ किसको? गंगा सिंह जी को दी है, ध्यान रखिएगा। और इसी नहर पर गंगा सिंह जी ने बीकानेर रियासत में आबियाना टैक्स लगाया है। आबियाना टैक्स लगाया है गंग नहर पर, जो पानी पर टैक्स लगाया गया उसका नाम है आबियाना टैक्स। ध्यान रखिएगा, इस गंग नहर को हम बात करें, इस गंग नहर को श्री गंगानगर की लाइफ लाइन कहते हैं, जीवनदायिनी या जीवन रेखा या जीवनदायिनी के नाम से जानी जाती है गंग नहर। ध्यान रखिएगा, गंग नहर उद्गम हुसैनीवाला, फिरोजपुर, पंजाब, और नदी का नाम रहेगा सतलज। याद रखिए, मैंने पहले ही कहा सतलज नदी को लेकर के जो सितंबर 1920 में समझौता हुआ, उसमें समझौता किन किन के बीच हुआ? बीकानेर प्लस पंजाब प्लस बहावलपुर, इनके बीच में समझौता हुआ है, जिसके तहत 1921 के अंदर, 5 सितंबर 1921 के अंदर इसकी नींव रखी गई है। नींव कहाँ रखी गई है? फिरोजपुर में रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है? गंगा सिंह जी बीकानेर के महाराजा के द्वारा रखी गई है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1927 में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? श्रीगंगानगर के शिवपुर हेड में किया गया है। श्रीगंगानगर के शिवपुर हेड में इसका उद्घाटन किया गया है। तो मित्रों, ये तो थी गंग नहर जिसके बारे में हमने बात की है। अब हम अगली परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है चंबल नदी घाटी परियोजना। अगली परियोजना का नाम है चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना भी बहुउद्देश्यीय परियोजना है, याद रखिएगा। चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में हम लोग बात करेंगे। चंबल नदी घाटी परियोजना, देखिए, राजस्थान के अंदर बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जिनसे अलग अलग प्रकार के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं चंबल नदी घाटी परियोजना या चंबल परियोजना, चंबल परियोजना के बारे में। चंबल परियोजना दो राज्यों की परियोजना है, दो राज्य, एक तो एमपी प्लस राजस्थान, दोनों की बराबर भागीदारी है, 50% प्लस 50%, दोनों की 50-50% की भागीदारी है। ध्यान रखिएगा, चंबल परियोजना का निर्माण तीन चरणों में हुआ है।
चंबल परियोजना का निर्माण 3 चरणों में हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से चंबल नदी बना लेते हैं। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। इसका राजस्थान में जो प्रवेश होता है वो होता है चौरासीगढ़। यहां लिख देता हूं मैं, चौरासीगढ़ भैंस रोडगढ़ चित्तौड़, यहां से इसका प्रवेश माना जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में प्रवेश माना जाता है। अब हम बात करें चंबल परियोजना के अंदर जो पहला बांध बना हुआ है वो एमपी के अंदर बना हुआ है, मध्य प्रदेश में बना हुआ है, जिसका नाम है गांधी सागर बांध। बांध का नाम है गांधी सागर बांध। ध्यान रखिएगा, ये चंबल परियोजना के प्रथम चरण में बना है। बांध का नाम है गांधी सागर बांध और चंबल परियोजना के प्रथम चरण के अंदर इसको बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये बांध जो बना हुआ है, ये बांध मानपुरा भानपुरा के पठार में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? मानपुरा या भानपुरा, मानपुरा व भानपुरा, भानपुरा के पठार में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, चंबल का उद्गम तो सभी जानते ही हैं आप लोग, जानापाव पहाड़ी। याद रखिएगा, जानापाव पहाड़ी कहाँ है? अमरकंटक विंध्याचल पर्वतमाला एमपी के अंदर है जानापाव पहाड़ी। यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है और उसी चंबल नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 115 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। 115 मेगावाट का विद्युत संयंत्र इसके ऊपर स्थापित किया गया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ बांध के बारे में अगर मैं बात करूं तो भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध जो बना हुआ है वो राणा प्रताप सागर है, जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में और चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस नदी का नाम है चंबल। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है, उत्तर की ओर जाती है, अंतिम रूप से यहाँ पर जो राजस्थान का जिला है वो धौलपुर में बहती है। उसके बाद में चंबल नदी जो है
आगे निकल जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रवेश चित्तौड़गढ़ से हो जाता है, चित्तौड़गढ़ से, और अंतिम रूप से राजस्थान के धौलपुर में बहती है। ध्यान रखिएगा, अंतिम रूप से धौलपुर में बहती है। अब राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़, यहाँ पर एक परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया। ये राजस्थान का प्रथम परमाणु संयंत्र है, राजस्थान का प्रथम परमाणु संयंत्र है। और अगर भारत की बात करूं तो भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है। भारत में पहला परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र के अंदर तारापुरा में बना हुआ है। महाराष्ट्र के तारापुरा में पहला संयंत्र बना हुआ है जो परमाणु संयंत्र है। और राजस्थान के अंदर जो ये बना हुआ है, ये भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला माना जाता है। इसीलिए रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की अणु या परमाणु नगरी कहा जाता है, अणु या परमाणु नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अणु नगरी या परमाणु नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो ये परमाणु संयंत्र लगाया गया है, ये किस देश की मदद से लगाया गया है, तो याद रखिएगा, कनाडा की मदद से लगाया गया है, कनाडा की मदद से लगाया गया है। यहाँ इसके पास ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर मानी जाती है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है, भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में ही। ध्यान रखिएगा, अब हम बात करते हैं कि कनाडा के सहयोग से रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, स्थापित किया गया है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह बांध 1971 में बना करके राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, कब समर्पित कर दिया गया है, 1971 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ध्यान रखिएगा, समर्पित किया गया है। ये तो हमने बात कर ली राणा प्रताप सागर बांध के बारे में। राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। आगे हम बात करते हैं, इससे आगे यहाँ पर एक और बांध बना हुआ है, आगे बांध बना हुआ है चंबल नदी पर ही। इस बांध का निर्माण किया है बोरावास कोटा में। इस बांध का नाम है जवाहर सागर बांध। इस बांध का नाम है जवाहर सागर बांध। ध्यान रखिएगा, इस बांध का नाम जवाहर सागर बांध है, जो बोरावास कोटा के अंदर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो बोरावास कोटा के अंदर बना हुआ है। जवाहर सागर बांध के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये अब इस पर बढ़िया प्रश्न आता है, बड़ा बांध ये है, भराव क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है, इसके दबाव को कम करने के लिए ये एक बांध बनाया गया। तो जब भी किसी बड़े बांध के दबाव को कम करने के लिए छोटा बांध बनाया जाता है, तो वो छोटा बांध पिकअप बांध होता है। वो छोटा बांध कैसा बांध होता है, पिकअप बांध।
तो याद रखिएगा जवाहर सागर बांध एक पिक अप बांध है, पिकअप बांध की श्रेणी में आता है। और ये किसके पानी को पिकअप करता है? राणा प्रताप सागर के पानी को पिकअप करता है। अब इस बांध के आगे एक और बांध बना हुआ है, यहां पर एक और बांध बना हुआ है जो केवल और केवल सिंचाई के काम ही आता है। याद रखिएगा उस बांध का नाम है कोटा बैराज। बैराज जो बनाए जाते हैं केवल और केवल सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा बैराज का निर्माण केवल और केवल सिंचाई के लिए किया जाता है। कोटा बैराज बनाया गया है, कोटा बैराज, इसे कोटा डैम के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कोटा बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस कोटा बांध में से, कोटा बांध में से 8 नहरें निकाली गई हैं जिसमें से दो नहरें कोटा के लिए हैं, कोटा के लिए हैं, और 6 नहरों का पानी बारा में जाता है, बारा जिले में जाता है। कोटा बैराज से 8 नहरें निकाली गई है, ध्यान रखिएगा, जिनमें से 2 नहरों का पानी कोटा में जाता है और 6 नहरों का पानी बारा जिले के अंदर जाता है, बारा जिले में जाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न तैयार होके आता है कि चंबल नदी पर ऊपरी प्रवाह से नीचे की ओर, ऊपरी प्रवाह से नीचे की ओर याद रखिएगा ऊपरी प्रवाह से नीचे की ओर नदियों या नदी पर बने, या चंबल नदी लिख देता हूँ, चंबल नदी पर बने बांध का सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है? तो आप देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक है इसका, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। यह है गांधी सागर, यह है राणा प्रताप सागर, यह है जवाहर सागर, और ये हो जाएगा कोटा बैराज। तो आप इसे याद कर सकते हैं गर ज के, है ना, इस तरीके से याद करें, है ना, ग र ज के इस तरीके से याद करें। प्रश्न है ऊपरी प्रवाह से नीचे की ओर चंबल नदी पर बने बांध का सही क्रम क्या है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, इस तरीके से ध्यान में रखना है। देख लीजिए आप, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, और ये कोटा बैराज, कोटा बैराज, जवाहर सागर इसका नाम हो जाएगा, राणा प्रताप सागर इसका नाम हो जाएगा गांधी सागर। तो देख लीजिए ग र ज के, इस तरीके से आप इन बांधों के क्रम को याद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, ये टॉपिक जुड़ा हुआ है चंबल नदी घाटी परियोजना से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करें कि भाई चंबल नदी जो है ये सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन करती है, सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन करती है तेज बहाव के साथ बहने के कारण। तो इसके अपरदन को कम करने के लिए, इसके अपरदन को कम करने के लिए इस नदी में रजाद कार्य किया जाता है, रजाद कार्य, अपरदन को कम करने के लिए चंबल नदी में रजाद कार्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा अवनालिका अपरदन को कम करने के लिए चंबल नदी में रजाद कार्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा यहां तक तो बात हो गई कोटा की, कोटा के बाद में ये नदी बहती है सवाई माधोपुर। सबसे ज्यादा बिहड़ों का निर्माण चंबल करती है सवाई माधोपुर में,
सर्वाधिक बिहड़ों का निर्माण करती है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के बाद में ये नदी बहती है करौली के अंदर, ये जिला है करौली, ध्यान रखिएगा। डांग छत्र का निर्माण, डांग छत्र का निर्माण चंबल करती है करौली में। डांग छत्र का निर्माण, सर्वाधिक डांग छत्र पड़ता है करौली में, ध्यान रखिएगा, है ना। और करौली में ही सबसे ज्यादा उत्खात भूमि का निर्माण करती है। उत्खात भूमि, बेडलैंड एरिया, ध्यान रखिएगा, बेडलैंड एरिया या बेडलैंड सेक्टर जो है उसका निर्माण करती है, डांग भूमि का निर्माण करती है। इसीलिए करौली को डांग की रानी कहा जाता है और डांग का राजा कहा जाता है धौलपुर को। तो ध्यान रखिएगा, चंबल नदी बिहड़ों से संबंधित है, चंबल नदी डांग क्षेत्र से संबंधित है, चंबल नदी उत्खात भूमि या बेडलैंड सेक्टर से संबंधित है, चंबल नदी बिहड़ों के डाकुओं से संबंधित है ना। बिहड़, चंबल के बिहड़ों में डाकुओं की शरण स्थली बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी नदी डाकुओं की शरण स्थली है, चंबल नदी, क्योंकि चंबल के बिहड़ों में डाकुओं का निवास बना हुआ है। तो ये तमाम प्रश्न आपको चंबल परियोजना से संबंधित ध्यान में रखने हैं। ध्यान रखिएगा, चंबल परियोजना से कुल कुल की बात करूं तो लगभग 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है चंबल नदी पर जो परियोजनाएं बनी हुई है इस पर से। राजस्थान में कुल 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चंबल नदी विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में तीन बड़े बांध बने हुए हैं। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में तीन बड़े बांध बने हुए हैं, ऐसी नदी का नाम है चंबल नदी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।